मदन दिलावर के साथ जुड़े आदिवासी हिंदू विवाद जो करीब महीने भर तक सदन और सड़क तक चला, उसका कल पटापेक्ष हो गया। लेकिन इस विवाद के बीच विधानसभा में एक ऐसा किस्सा हो गया जिस पर अभी तक जहां तक ध्यान पड़ता है किसी की नजर नहीं पड़ी या कोई इस ओर ध्यान देना ही नहीं चाहता। असल में कांग्रेस से विधायक और आदिवासी नेता गणेश गोगरा ने सदन में आदिवासियों को शराब परोसने की वकालत की, और वो भी एक या दो बोतल नहीं बल्कि पूरे 8 लीटर। जी हाँ, सही सुना आपने, ये वाक्य गणेश गोगरा ने पूरे सदन के सामने कहा। को 8 लीटर महुए की जो भी है शराब रखने की छूट दी जावे, ये कहना चाहता हूँ। अरे शर्मा जी, संसदीय महोदय, आपने यहाँ पर सबके लिए तो, अरे सुनो, आपने यहाँ पर बाहर खोल दिए इंग्लिश है अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल दी टीएसपी में। पहले अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद कराए टीएसपी में, पूरा ही बंद कराए, फिर तो यहाँ पर बाहर खोल दिए। अमीरों के लिए तुमने बाहर खोल दिए, और एक गरीब बेचारा थक जाता है, उसका कोई मेहमान आ जाता है, उसको आप 1000 रुपए की बोतल लाने भेजोगे वहां पर? जनता दरबार से खास बातचीत करते भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने कहा कि आदिवासियों को शराब नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा भाजपा प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने। विधानसभा के अंदर मदन दिलावर जी के इस्तीफे की और माफी मांगने की जो मांग करीब 1 महीने तक चली, उस मांग के मूल में था कि जो भी ये मांग कर रहे थे माननीय विधायक गण या फिर विपक्ष के कुछ लोग, उनका कहना था कि मदन दिलावर जी ने आदिवासियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया, या फिर हम यूं कह सकते हैं उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू होते हैं या इसी प्रकार का कुछ बातें उन्होंने आदिवासियों के लिए कही। तो करीब 1 महीने तक विधानसभा में, विधानसभा के बाहर सड़कों पे मदन दिलावर जी के इस्तीफे और उनके माफी की मांग उठने लगी। और अब मदन दिलावर जी ने माफी भी मांग ली, लेकिन अभी भी कुछ लोग उनके इस्तीफे की मांग पे उड़े हैं। आदिवासियों से जुड़ा एक और किस्सा सदन के पटल पर गूंजा, लेकिन उसकी बात करना तो दूर, उसके बारे में कोई चर्चा तक नहीं कर रहा है। हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी मौजूद है। कृष्ण कुमार जी, करीब 1 महीने तक मदन दिलावर जी और आदिवासी का जो ये मुद्दा था कि उन्होंने आदिवासियों के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे, ये 1 महीने तक सदन में, सड़क पे, हर जगह चर्चा का विषय रहा। उनके बारे में न जाने क्या क्या कहा गया कि उनको अपने दिमाग की जांच करानी चाहिए, उन्हें शिक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और विधायक गणेश घोगरा ने कुछ बातें सदन के पटल पर कही, तो उनकी पार्टी के तो छोड़िए, कोई और भी विपक्ष हैं जो बड़े बड़े आदिवासी नेता थे, राजकुमार रोत हैं, थावरचंद डोमर हैं, उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। आपसे जानना चाहेंगे पहले तो वो बात क्या थी और क्यों इस पर चर्चा नहीं हो रही। देखो, सीधे तौर पर मदन जी के जिस बयान को लेकर चर्चा हुई, मदन जी के बयान में कहीं भी आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं था, कहीं भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं था। व्यक्तिगत सवाल था कि कुछ लोग नहीं मानते, तो उनका जवाब था जो जन बंसावली वालों से या डीएनए से पता करेंगे, चलो राजनीति करने वालों ने उन पर राजनीति की। लेकिन अभी तो विधानसभा के पटल पर कांग्रेस के एक विधायक आदिवासियों को शराब में ही मदमस्त रखने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 8 लीटर तक मिले तो मुकदमा भी दर्ज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की मांग पर जिस प्रकार की चुप्पी है, वो इस बात का संकेत है कि आदिवासियों को शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, आदिवासियों को बाकी सुख सुविधा मिले, इसकी चिंता किसी को नहीं है। आदिवासी को महुड़ी शराब रखने की छूट मिले और वो उसी में खोया रहे, इसी प्रकार की मांग खुद आदिवासी नेता जो उसी क्षेत्र से आते हैं, जो कांग्रेस के यूथ के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में कांग्रेस के दूसरी बार के विधायक हैं, वो अगर शराब रखने की छूट दे रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल की जिस कांड में वो जेल में है, एक के साथ एक की फ्री की जो बातें अरविंद केजरीवाल पे लागू होती थी, ये कांग्रेस का और इंडी गठबंधन का सच है कि वो गरीबों को, आदिवासियों को शराब पिलाकर ही अपना बनाए रखने की कुत्सित कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात अगर गणेश घोगरा जी के बयान की करें, तो उन्होंने ये भी कहा कि गांव में जब भी पुलिस जाती है और किसी एक घर में 1 लीटर मादक पदार्थ मिलता है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया जाए, क्या आपको नहीं लगता कि उनकी ये मांग इस चीज से जुड़ी हुई हो, या फिर अपनी इस बात को वो किसी दूसरे तरीके से पेश कर सकते थे?
देखिए, आबकारी अधिनियम की परिधि में अगर कोई शराब है तो उसके लिए तो आबकारी नियमों के अंतर्गत जितनी छूट है वो उपलब्ध है, लेकिन आबकारी नीति से बाहर कोई चीज या मादक पदार्थ है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अब कोई आदिवासी है कोई क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता है। शासन कानून का है, किसी को जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर भेदभाव की इजाजत कानून देता नहीं है। उस प्रकार की मांग उन्होंने सदन में जो रखी है और सदन में जिस प्रकार का साइलेंस इस पर था, ये अफसोसजनक है। क्या आपको नहीं लगता कि राजकुमार रोत हो गए, थावरचंद डामोर हो गए, या जो भी विपक्ष में जो नेता थे आदिवासी समुदाय से आते थे, उन लोगों का इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और जिस प्रकार से मदन दिलावर के पीछे वो पड़े, उसी प्रकार से गणेश घोगरा से जब तक माफी ना मंगवाई जाए तब तक उन्हें किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहिए। देखो, बीएपी जो पार्टी है, आदिवासी पार्टी, उनको कम से कम आदिवासियों को जो व्यसन है, जो गंदी आदतें हैं, उनसे मुक्ति के प्रयास करने चाहिए। लेकिन कांग्रेस के विधायक इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, बीएपी के नेता और लोग चुप हैं, तो ये अफसोस की बात है। इस प्रकार के विषयों पर संजीदगी से संज्ञान लिया जाना चाहिए था, कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन सदन की कार्रवाई में जिस प्रकार का साइलेंस था, वो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस आदिवासियों को शराब पिलाकर अपना बनाए रखना चाहती है, और आदिवासियों के नेता इस विषय पर चुप रहने में ही मुफीद समझ रहे हैं। ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार जानू जी, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार से मदन दिलावर जी के उस बयान को लेकर उनके पीछे करीब एक महीने तक पूरा विपक्ष पड़ा रहा, आदिवासी नेता पड़े रहे, उसी प्रकार से गणेश घोगरा जी ने तो उन आदिवासियों के लिए ये तक प्रयोग कर दिया कि उन्हें 8 लीटर शराब मिलनी चाहिए, वो भी सदन के पटल पर। और कृष्ण कुमार जी का ही नहीं बल्कि सबका ये कहना होगा कि अगर आदिवासियों के लिए आपको सदन से कुछ मांगना है तो उनके लिए शिक्षा मांगे, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा मांगे, उनके लिए रहने का अच्छा माहौल मांगे, आप सदन से 8 लीटर शराब आदिवासियों के लिए मांग रहे हैं, तो ये बात कहीं से भी उचित नहीं लगती। और इस पर उन तमाम आदिवासी नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए जिन्होंने पहले लिया था, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये चीज साफ हो जाती है कि पहले जिस प्रकार से उन्होंने संज्ञान लिया उस बयान पर जो मदन दिलावर ने बोला भी नहीं था, इसका मतलब साफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा था। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।